बच्चों, इसके पूर्व हमने बुढ़िया को किस प्रकार बुद्धिराम ने धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़प कर ली, उस पर किस प्रकार अत्याचार किया, रूपा ने उसे किस प्रकार बेइज्जत किया, इसके बारे में हमने जानकारी ली। रूपा ने बेइज्जत करने के पश्चात बुढ़िया अपने कोठरी में जाकर बैठ गई। बैठने के पश्चात उसने सोचा, क्यों मैं मेहमानों से पहले खाना खाती है? कौन मुझे खाना देता? खाना खाना उचित है क्या? इसके बारे में वह तरह तरह की सोचने लगी और उसने सोचा, अब मैं बुलाए बगैर नहीं जाऊंगी। उसके पश्चात उसने विचार किया, गाना गाना शुरू किया। गाना गाते बहुत देर हो गई, उसे कोई बुलाने नहीं आया। वह सोचने लगी, अपना घर है, कौन बुलाने आएगा? अपने आप खाने खाने जाना होगा। रूपा क्रोधित हो गई होगी। रूपा के क्रोध के कारण वह बुलाने न आने का उसने निश्चय किया होगा। वह फिर से उस समारोह में जा पहुंचे। उसे देखकर सारे मेहमान तंग हो गए। उन्होंने कहा, यह बुढ़िया कौन है? कहां से आई है? देखो, बुद्धिराम ने जैसे ही उसे देखा वह क्रोधित हुआ। उसने बुढ़ियों के कोठरी नीचे पटक दी और बुढ़िया को उठाकर अपनी कोठरी में बंद कर दिया। फिर बुढ़िया तंग हो गई, बुढ़िया परेशान हो गई, बुढ़िया को कुछ याद नहीं आ रहा था। बुढ़िया भूखी थी, स्वाद से सारी जीवा उसकी ललायित हो रही थी। उसे उस खाने का मन कर रहा था, लेकिन यहां पर इस बात को देखकर वह वहां पर जाना नहीं चाहती थी। उससे स्नेह था सिर्फ बुद्धिराम की लड़की लाडली का। लाडली ने अपने हिस्से की पुड़िया काकी को दे दी। काकी ने उसे चुन चुन कर खाया और खाने का इच्छा थी, लेकिन उसके पास नहीं थी। उसके बीच बचे हुए जो खुरचन थे उसे भी साफ किए, वह भी खा लिए, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। इसके पश्चात उसने लाडली के हाथ को पकड़कर झूठी पत्तल जहां पर पड़ी है वहां पर ले जाने के लिए उसने कहा। झूठी पत्तलों पर उसने खाना निकाल कर जब वह खा रही थी तो रूपा को इधर नींद से जाग आ गई। नहीं टूटते।